हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए कटलेट्स की रेसिपी। इसे आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कटलेट्स की सबसे खास विशेषता यह है कि बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे स्नैक्स है। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और आप किसी को भी आसानी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। कटलेट्स का लाजवाब स्वाद सभी को पसंद आता है। आपके घर कोई मेहमान या दोस्त आए, आप उन्हें ये कटलेट्स बनाकर आसानी से खिला सकते हैं। आप चाहे तो बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। वैसे तो यह बाज़ार में सभी जगह मिलते हैं, लेकिन आप चाहे तो इन्हें आसानी से घर पर बना सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक आसान विधि, जिसकी मदद से आप स्वादिष्ट कटलेट्स आसानी से बना सकते हैं। तो आइए कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को ले लेंगे। इसके साथ ही हम ले लेंगे 4 बॉईल किए हुए आलू को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक मिर्ची के पेस्ट को, जिसे हमने तेल में फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा हल्दी और राई के साथ में। साथ ही में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़े से कटे हुए हरे धनिए को। अब हम इसे आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कटलेट्स का मसाला बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसके साथ ही हम ले लेंगे ब्रेड के एक स्लाइस को और उसके ऊपर मसाले को कुछ इस प्रकार से भर देंगे। अब हम इसके ऊपर ब्रेड के दूसरे स्लाइस को रख देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार से हम ब्रेड के दूसरे स्लाइस को ले लेंगे, उसमें मसाले को ऐड कर देंगे और दूसरे ब्रेड के स्लाइस को ऊपर रख देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे ऊपर से। इसी प्रकार हम सारे ब्रेड के स्लाइस को भर देंगे। अब हम मसाले भरे हुए ब्रेड को कुछ बीच में से इस प्रकार कट कर लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे ब्रेड को ले लेंगे और बीच में से कट कर लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। इसी प्रकार हम सारे प्लेट को कट कर लेंगे बीच में से। तो आप देख सकते हैं हमने ब्रेड को बीच में से अच्छी तरह से कट कर लिया है। इसके साथ ही अब हम गैस पे तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1/2 किलो बेसन। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि आपके बैटर में लम्स ना पड़े। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बैटर बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी आई है। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसके साथ ही कटलेट्स के एक पीस को हम बैटर में डिप करने के बाद कुछ इस प्रकार से अच्छे से डिप कर लेंगे, ऐसे तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसी प्रकार हम दूसरे स्लाइस को ले लेंगे, बैटर में अच्छे से डिप कर लेंगे,
फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसी प्रकार से हम सारे कटलेट्स को बैटर में डिप करने के बाद तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारे कटलेट्स को बैटर में डिप करने के बाद तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और इसे आप चक्कू की सहायता से पलटी कर सकते हैं जिससे कि आपका कटलेट दोनों ओर से अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं हमारा कटलेट बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कटलेट्स के साथ ही हमने पेश किए ग्रीन पुदीने की चटनी और साथ में इमली की मीठी चटनी। आशा करती हूँ आपको आज के हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई रहेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।